दोस्तों आज मैं आया हूँ सेंचुरी सीमेंट के प्रांगण में। यहाँ पे है टिनटिनी पत्थर और जुगी कुआं, जहाँ पे कुआं पे सालों साल पानी रहता है। वो एक कुंड है जिसमें सालों साल पानी रहता है। और टिनटिनी पत्थर, जैसे अंबिकापुर में टिनटिनी पत्थर है, वैसे यहाँ भी टिनटिनी पत्थर है जिसमें मेटल का आवाज़ आता है, धातु जैसा आवाज़ आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का टिनटिनी पत्थर और जुगी कुआं। दोस्तों ये है जोगी धाम, और ये जो आपको दिख रहे हैं मंदिर, ये सब सतनामी समाज का मंदिर है। और ये यहाँ पे है टिनटिनी पत्थर। अभी हम जा के देखेंगे, इसको बजा के देखेंगे कि इसमें मेटल का आवाज़ आता है कि नहीं। और यहाँ पे है जोगी कुआं, जहाँ पे 12 महीना या साल सालों भर साल पानी रहता है। दोस्तों ये है जोगी कुआं, और यहाँ पे रहता सालों साल पानी। ये एक चबूतरा बना हुआ है और उधर एक चबूतरा बना हुआ है, इसमें सालों साल पानी रहता है। यहाँ पे एक प्रतिमा बनी हुई है जो कि है धर्मगुरु बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी, और ये है गुरु घासीदास की द्वितीय पुत्र हैं, इनकी यहाँ पे प्रतिमा बनवाई गई है। तो ये था यहाँ का टिनटिनी पत्थर, वैसे आवाज़ कुछ अलग ही है, मेटल जैसा है, जैसा ही है। चलिए आज देखते हैं दूसरे पत्थर को लगाते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है कितना पानी भरा हुआ है। इसके हिसाब से हाँ थोड़ा आवाज़ तो लग रहा है धातु जैसा, बट अंबिकापुर का टिनटिनी पत्थर कुछ अलग ही है। यहाँ पे कुछ आवाज पत्थर जैसा ही है, यहाँ पे लगा थोड़ा। तो बस यही था यहाँ का टिनटिनी पत्थर।